गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में अपना अगला टॉपिक लेंगे। मैंने आपको टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बता दिया था, जिसका यूज़ हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो उम्मीद है वो आपने कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स और कुछ 8.2 के क्वेश्चंस लेकर के इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लेंगे एग्जांपल नंबर 6। आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी की बुक में। कहता है एक राइट एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसका राइट एंगल बी है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, ए बी ये बी ले लेंगे और ए और सी को मर्जी जहां रखेंगे। ए बी इस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी दे रखा है 30 डिग्री। कहता है डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। ये साइड दे रखी है, ये निकालो ये निकालो, ये एंगल दे रखा है। अब हम इसका प्रयोग सीखेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, कि जहां पर एक्यूट एंगल बनेगा वो बेस होगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। 90 डिग्री के सामने की साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, इट नेवर चेंजेस। इस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ दे रखा हो तो फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। केवल इतना ही हमने ध्यान रखना है, बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस समझना है। या यूँ समझ लो कि जहाँ ये एंगल दे रखा है तो एक हाइपोटेन्यूज दूसरी साइड जो है वो बेस होगी। अगर ये यहाँ भी दे रखा है तो एक हाइपोटेन्यूज दूसरी साइड बेस होगी। बस किसी प्रकार से भी समझ लो, बहुत इजी है। तो चलिए जो साइड दे रखी है उसको ऊपर रखिए, जो निकालनी है उसको ऊपर रखिए, जो दे रखी है उसको नीचे रखिए और फिर रेशियो बनाइए। बी सी निकालना है, ऊपर रख लिया, ए बी दे रखा है नीचे रख लिया, इजी प्रोसेस है। चाहे इसको ऊपर रख लो इसको नीचे कोई फर्क नहीं पड़ना, पर ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि निकालने वाली साइड को ऊपर रखो, गिवन साइड को नीचे रखो। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है बी सी, क्यों एंगल इसके साथ है, एक्यूट एंगल जो दे रखा ये परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या होता है जी, कोट कितना 30 डिग्री, कोट सी थीटा समझ लो 30। अब इन एंगल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ए बी 5 है इसकी वैल्यू रख दो, कोट 30 होता है √3 जो आपको समझाया जा चुका है। देन बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। अब आ गई ये साइड भी। अब दूसरी साइड को अगर हम निकालना चाहे ए सी को, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर टी रेशो से भी निकाल सकते हैं। तब जैसे हमने ए सी निकालना है, ऊपर रखिए, ए बी को नीचे रखिए, तो ए सी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर इज कोसेक 30 डिग्री। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये मैंने आपको समझा दिया था। तो एसी का पता नहीं, निकालना है, ए बी 5 है, साइन 30 का उल्टा कर देंगे, कोसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 30 होता है 1/2,
और कोसेक 30 क्योंकि साइन का उल्टा होता है तो 2/1। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 5 × 2 = 10, तो एक आपकी साइड ये आ गई, एक आपकी साइड ये आ गई, ये आपके आंसर हैं। जरा ध्यान से देख लो, बहुत आसान है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, उसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान से सवाल हैं, थोड़ा सा जो एंगल्स मैंने बताए उन पर फोकस करना है। साइड्स के टी रेशोज बताए उन पर थोड़ा सा फोकस करना है, केवल इसी चीज का आपने ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, ये कहता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू, जो क्यू पर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल, और पी क्यू इसमें 3 सेंटीमीटर है, ये पी ये 3 सेंटीमीटर है, और ये आर, और दूसरा इसमें दे दिया कि जो पी आर है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। एंगल आर और एंगल पी बताइए, एंगल क्यू पी आर बताइए और एंगल पी आर क्यू बताइए। देखिए ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो ये दो साइड दे रखी है, इनका रेशियो बताइए क्या होगा। चलिए अब हम ले लेते हैं पी क्यू अपॉन पी आर, जो साइड दे रखी है पी क्यू दे रखी है 3, पी आर दे रखी है 6, लेकिन ये क्या है पी क्यू, इस एंगल को ले, अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ तो पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर इसके सामने है, और ये हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा यानी साइन आर। तो पी क्यू 3, पी आर 6, साइन आर 1/2, साइन आर पता है 1/2 साइन कितना होता है आपको, साइन 30 डिग्री, अभी अभी भी बताया और इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया। तो R इज 30, या यूं कह सकते हो एंगल QRP इज इक्वल टू 30 डिग्री। अरे अब ये 30 है तो ये 60 नहीं रह गया क्या, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 90। वी नो दैट एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो या 90 प्लस 30, 180 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। इसके आधार पर भी लेना चाहे तो ये 20, ये भी ये पर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे भी आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कोस 30 हो जाएगा, उससे भी आप कर लीजिए, चाहे 180 में से इन दोनों को जोड़ के निकाल दीजिए, 60 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की आवश्यकता है, आपको समझ आने लगेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 8, एक एग्जाम्पल और है उसके बाद एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जाएगी। ये क्या कहता है कि इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, तो ए और बी की वैल्यू बताइए। एक तो ये दे रखा है, तो देखिए 1/2 इधर साइन है, इसी तरह का आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बिल्कुल मिलता जुलता। यहाँ साइन है तो साइन में भी इस वैल्यू को देखो,
तो ये साइन 30 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये भी तो सेम होंगे ना। दूसरा इसने दे रखा है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। अब आपको ये पता होगा ये कॉस है तो कॉस में ही आप लेंगे, तो कॉस 60, हाफ मीन्स कॉस 60, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब आप इसको एक को और दो को ऐड कर दें, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो अगर इसको ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ए और ए 2a 60 और 30 90, देन a इज इक्वल टू कितना, 2 नीचे चला जाएगा तो 45 डिग्री a की वैल्यू आ गई। इसको पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तुम्हारी मर्जी, दोनों में से आंसर सेम आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में a 45 है, माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो बी को एक तरफ ले जाइए, 30 को एक तरफ ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 15। तो ये आपके आंसर आ गए, ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री। तो अब आप एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है, उसे आप खुद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से लेते हैं और थोड़ा सा और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लेंगे एक्सरसाइज 8.2। अब मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूं, यह है आपका साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये आपको मैं बताऊं कुछ नहीं है, उन वैल्यूज ऑफ एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 के बारे में मैंने आपको समझाया था, उनको आप पूछना चाहता है कि आपने वो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 30 की वैल्यू, रूट 3/2, तो ये भी आपका हो जाएगा रूट 3/2। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। ये मैं आपको जब मैंने हाथ बना के समझाया तब भी बताया था, और इससे जो 8.3 में फॉर्मूलाज यूज होंगे उस वो भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। देखिए साइन 0 कोस 90 के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए, फिर साइन 30 की वैल्यू तो कोस 60 की वैल्यू सेम होगी, 30 और 60 90, ये ध्यान रखें। साइन 45 कोस 45 की वैल्यू सेम होंगी, साइन 60 तो कोस कितना, सोचिए 30, मैंने अभी अभी बताई है 90 कर दो, और साइन 90 की वैल्यू इज इक्वल टू कोस 0 की वैल्यू होगी। अगर हमें साइन की वैल्यू याद हो जाती है, जैसे इसकी वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, और ये 1 है, तो हमें सब वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। तो ये कॉस 90 की 0, ये हाफ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लें कि साइन की वैल्यूज बढ़ती हुई जा रही हैं, और जैसे थीटा बढ़ रहा है लेकिन कोस की वैल्यू घटती हुई जाएंगी,
जैसे थीटा बढ़ेगा, ये वन से जीरो की ओर, ये जीरो से वन की ओर बढ़ेंगी। इसी प्रकार टेन और कोट में चलेगा, या टेन जीरो कोट 90, टेन थर्टी कोट 60, टेन 45 कोट 45, टेन 60 कोट 30, टेन 90 कोट 0, सब वैल्यू सेम होंगी 90 का के साथ में। इसी प्रकार अगर हम सेक और कोसेक में लें तो भी सेम होंगी। इससे हमें क्या पता लगता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और अगर मैं यहाँ कोस रख दूँ तो इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए साइन 90 में से जीरो गया तो 90 इज इक्वल टू कोस 90 थीटा समझ लो। साइन 90 माइनस थीटा मीन्स 30, 90 माइनस 30 कोस 30 60, 90 में से 30 गया। इसी प्रकार यहाँ टेन और कोट के लिए और सेक कोस सेक और कोसेक के लिए जो 8.3 में भी आपके यूज होंगे। केवल इतनी सी बात है, केवल साइन की वैल्यूज याद हो जाएं तो कोस की वैल्यू याद हो जाएंगी, साइन का उल्टा कोसेक होता है वो वैल्यूज आ जाएंगी, सेक का उल्टा कोस का उल्टा सेक होता है वो वैल्यूज आ जाएंगी, और जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। जैसे टेन जीरो जीरो और इसकी वैल्यू वन, तो जीरो अपॉन वन जीरो। इसी तरह कोट की वैल्यू जो होती है टेन की उल्टी हो जाती है। सारी की सारी वैल्यूज केवल साइन की वैल्यू याद हो जाने से, केवल साइन की वैल्यू याद हो जाने से सभी की सभी वैल्यूज आपको समझ आ जाएंगी कि साइन जीरो कितना, साइन थर्टी कितना। तो रूट थ्री, रूट थ्री थ्री, फोर, वन इंटू वन फोर, एलसीएम आ गया तो कितना हो गया 4/4, दैट इज इक्वल टू 1, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जितना भी अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर एक ये बातें आपको समझ आ गई तो पूरी एक्सरसाइज आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। वैल्यूज सिर्फ साइन की याद कर लें, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सभी वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो चलिए इनकी वैल्यू रख लेंगे। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस 30 की वैल्यू याद कीजिए, कोस 30, अगर कोस 30 याद नहीं आता तो साइन 60 की वैल्यू याद कीजिए, वो कोस 30 की वैल्यू होगी। तो रूट 3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, उसका उल्टा कर दीजिए। साइन 60 रूट 3/2, तो कोस 30 भी उतना ही होगा, और उसका उल्टा कर दे तो सेक। इसी तरह साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2/1, उसका उल्टा हो जाएगा। अब वो ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम हो गया कितना, रूट थ्री, तो 2+√3 एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा आपका। अब ये उल्टे हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई है ये, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा और 2+√3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री आया, और इसको करेंगे तो 2√2+√6। जब तक आपका, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बताना चाहता हूं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है कि जब तक नीचे से रूट खत्म नहीं होगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं होता इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर से रूट का हटना बहुत जरूरी होता है, तभी वो
कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इसका हटाने का तरीका क्या है रूट को कि रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज क्या मतलब होता है, इरेशनल को रैशनल बनाने की प्रोसेस रैशनलाइजेशन कहलाता है। उसका तरीका क्या है कि या प्लस है तो सिर्फ माइनस लिख दीजिए, टू लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे भी ऊपर भी, ताकि इक्वेशन बनी रहे सेम ऊपर नीचे। ये प्लस है यहाँ पे तो माइनस रख दीजिए, ये टू टू लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इरेशनल नंबर्स को ही लिखिएगा। देखिए रूट थ्री, रूट टू, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट एटीन, नीचे क्या होगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो पहले इसको कर लें टू इंटू टू, फिर इससे टू रूट ट्वेल्व, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें टू रूट ट्वेल्व, फिर इससे कर लें माइनस टू इंटू सिक्स। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, रूट सिक्स माइनस एटीन कितना होता है आपका, थ्री, थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, टू टू जा फोर और सिक्स टू जा ट्वेल्व। अब यहाँ देखिए इसमें से बाहर क्या आएगा, थ्री, क्योंकि कंप्लीट पेयर बन गया ना थ्री का, तो रूट से बाहर आ जाता है या माइनस एट। अब कृपया क्या करें आप, यहाँ पे इस को आगे ले लें, थ्री को माइनस कॉमन निकाल दें, थ्री रूट टू, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आगे आ जाएंगे, इस ये आगे ये पीछे, माइनस कॉमन निकालने से साइन चेंज और नीचे माइनस एट, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। अब मैंने बताया कि जब तक नीचे रूट है, देखिए नीचे रूट आया हुआ है, तब तक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं माना जाता। इस रूट को हटाना बहुत ज़रूरी होता है और इसको हटाने का तरीका है कि इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर एक के पांच पार्ट हैं, फाइव पार्ट्स, जिसमें से दो पार्ट्स मैं समझा चुका हूँ, बाकी के बचे तीन वो आप होमवर्क समझ लीजिए या उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।